छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील की बेटी मौली नेमा ने 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। मौली ने 800 सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की और प्रदेश में टॉप कर लिया। मौली भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। मौली नेमा ने 12वीं की परीक्षा में मध्य प्रदेश में टॉप किया है। मौली नेमा ने अमरवाड़ा के ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। मौली नेमा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि मैं कला समूह विषय की टॉपर बनी हूं। मेरा लक्ष्य सिविल सर्विसेज में जाने का है। मैं घर में 3-4 घंटे ही पढ़ाई करती थी, कोई कोचिंग नहीं की। पिता अनिल कुमार नेमा की इलेक्ट्रिक की शॉप है। अनिल नेमा ने बताया कि बेटी पहली क्लास से ही टॉप करती आ रही है। मौली ने 10वीं में भी CBSE बोर्ड में स्कूल टॉप किया था। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी। क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे चलकर IAS की सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, IAS बनना चाहती हूँ। ये सफलता कैसे प्राप्त की आपने? रोज पढ़ाई करें, NCERT बुक्स पर ज़्यादा फोकस करें तो आप हासिल कर सकते हैं, और खुद पर विश्वास रखें और कंसिस्टेंट रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मौली नेमा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।